चिल्लाती धूप और उमस भरी गर्मी के बीच सिद्धार्थनगर जिले में वायरस से पीड़ित मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। मेडिकल कॉलेज समेत जिले के अन्य अस्पतालों में इन मरीजों की बड़ी तादाद है। वायरस फीवर, डायरिया, ड्रिसेंट्री से परेशान मरीजों के लिए मेडिकल कॉलेज समेत अन्य अस्पतालों में व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जिले के अन्य सरकारी अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की गई। वायरस से फैल रही बीमारियों के बारे में मुख्य चिकित्सा अधिकारी वीके अग्रवाल ने बताया कि बारिश न होने और मौसम में बदलाव की वजह से इस तरह के वायरल अटैक करते हैं। इन बीमारियों से बचने के लिए लोगों को चाहिए कि वे स्वच्छ पानी का प्रयोग करें, साथ ही गर्मी धूप से बचने की कोशिश करें, खुले में रखी हुई चीज़ों को ना खाएं, साथ ही जब भी किसी तरह की कोई भी दिक्कत हो तो तत्काल अपने नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र जाएं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि वायरल फीवर को देखते हुए मेडिकल कॉलेज समेत अन्य अस्पतालों में पर्याप्त दवाएँ उपलब्ध की गई हैं। नेहरू साहब ने खुद ही कहा कि ये जो अभी मौसम चल रहा है, प्रायः हर साल जुलाई से लेकर सितंबर तक वायरल फीवर का प्रकोप चलता है। अभी भी थोड़ा प्रकोप बढ़ा है, लेकिन अभी बहुत इस तरह से चिंताजनक स्थिति नहीं है कोई। तो हमने सभी की मीटिंग बुलाई है और चार दिन पहले भी हमने सभी इंचार्ज की मीटिंग किया था और इसके लिए हमारी पूरी तैयारी है। जनपद के समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित कर दी गई है और जांच की सुविधा भी सभी जगह उपलब्ध है।